हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचकेएम टेक वर्ल्ड। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में सर्विसेज के बारे में डिटेल्ड वे में जान लिया था कि सर्विसेज होता क्या है और उसका टाइप क्या होता है, और हम लोग ये भी जान लिए थे कि हम लोग सर्विसेज को क्रिएट कैसे कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ YAML फाइल। पर पिछले वीडियो में मैं एक चीज बताना भूल गया था कि हम लोग कैसे सर्विसेज को कंट्रोल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ kubectl, मतलब कमांड लाइन। कमांड लाइन की मदद से भी एक कमांड होता है जिसकी मदद से भी आप लोग क्या कर सकते हैं, सर्विसेज को क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे कि हम लोग कैसे कोई सर्विसेज को क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कमांड लाइन। भले कमांड लाइन में कुछ लिमिटेशन हो, पर आप लोग को हर एक चीज आना चाहिए। तो चलिए जानते हैं कैसे हम लोग सर्विसेज को क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली सर्विसेज में एक कमांड होता है, एक kubectl expose। अगर आप एक्सपोज के हेल्प में जाइएगा तो यहाँ पे आपको एक चीज देखिएगा, थोड़ा इसको स्क्रॉल अप कीजिएगा, तो kubectl expose में आप देखिएगा पॉसिबल रिसोर्स, मतलब ये सब कॉन्सेप्ट, मतलब चीज को आप एक्सपोज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पॉड सर्विसेज, दूसरे सर्विसेज को भी एक्सपोज कर सकते हैं आप, फिर एप्लीकेशन कंट्रोलर, डिप्लॉयमेंट रेप्लिका सेट। ये बेसिकली ये कुछ प्रकार है, कुछ चीज है, ये कुछ रिसोर्स है जिसको आप लोग विद द हेल्प ऑफ kubectl expose कमांड की मदद से एक्सपोज कर सकते हैं। ठीक है, ये सर्विसेज क्रिएट कर सकते हैं। इसे मैं क्लियर करता हूँ। दोनों देखिए, YAML की मदद से आप जो क्रिएट कर रहे हैं और जो कमांड लाइन की मदद से क्रिएट कर रहे हैं, वो दोनों में कुछ तो डिफरेंस होगा ही, क्योंकि YAML में आपके पास ज्यादा रहता है, ज्यादा तरीका, ज्यादा पावर रहता है कि आप लोग मोर वे में मोर कमांड रहता है, ज्यादा मतलब ज्यादा अच्छी तरीके से आप लोग हैंडल कर सकते हैं YAML की मदद से, और कुछ लिमिटेशन होता है हमारा क्यूब्स कमांड लाइन में। ठीक, बेसिकली मैं अगर आप लोग को सर्विसेज वाला नोट फाइल ओपन करूँ जो मैंने पिछले वीडियो में क्रिएट किया था YAML फाइल, इसे मैं ओपन करूं तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये मेरा क्लस्टर आईपी के लिए था जो मैं नोड पोर्ट के लिए यहाँ बनाया था। यहाँ पे आप लोग एक ध्यान, एक बात आप लोग को याद होगा अगर मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे, तो यहाँ पे मैं नोड पोर्ट दिया था, नोड पोर्ट यहाँ पे मैंने कुछ आईपी दिया था। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे आप जो टारगेट जो यहाँ पे जो लोड बैलेंसर का पोर्ट है या नोड पोर्ट है, ये सबको आप यहाँ पे दे सकते हैं YAML फाइल में, मतलब अच्छी तरीके से हैंडल कर सकते हैं सर्विसेस को। पर यही काम आप YAML, मतलब कमांड लाइन की मदद से नहीं कर सकेगा। कमांड लाइन में क्या लिमिटेशन होता है, ठीक है, मैं कमांड लाइन पहले लिख लेता हूं तब आप लोग को समझ में आ जाएगा। kubectl expose, पहले तो मैं क्या करता हूं, अभी मैं यहां देखता हूं मेरे पास कोई पॉड रनिंग स्टेट में है कि नहीं, कोई पॉड रन कर रहा है कि नहीं, सॉरी यहाँ पे kubectl get pod होगा, तो कोई पॉड, अभी मेरा कोई पॉड नहीं है, कोई आरसी नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मेरा एक YAML फाइल है rc.yml, ये मैंने क्रिएट किया था जब मैं रेप्लिकेशन कंट्रोलर का वीडियो बना रहा था, और जब मैं अपलोड उस वीडियो में आप देख लीजिएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिकली इस कमांड की वजह से मैं पॉड को लॉन्च कर रहा हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा मेरे दो पॉड रनिंग स्टेट में। ठीक है, अब यही पॉड को हम लोग क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। ठीक है, यही पॉड को हम लोग मैनेज करेंगे, और मैं kubectl get rc करूंगा, तो आप देखिएगा यहाँ पे माई आरसी है वन। हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली ये आरसी को ही एक्सपोज कर देंगे। अब जब ये आरसी को एक्सपोज कर देंगे तो बेसिकली क्या होगा, ये इसके अंदर जो पोर्ट पॉड है वो खुद में खुद एक्सपोज हो जाएगा। और एक्सपोज से आप लोग कंफ्यूज मत होइए, बेसिकली मैं कहना चाहूँ एक्सपोज इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं अभी जो टाइप यूज करूंगा नोट पोर्ट यूज करूंगा, और नोट पोर्ट में, नोट पोर्ट का एक काम हम जानते हैं कि वो क्या करता है, पॉड सबको या पॉड को पब्लिक वर्ल्ड में एक्सपोज करता है, एक तरीके से ये काम है नोट पोर्ट जब हम लोग टाइप यूज करते हैं। अगर आपको इस सब में कन्फ्यूजन है तो आप पहले सर्विसेज का मेरा पहला वीडियो देख लीजिए जहां मैंने हर एक टाइप के बारे में बताया, नोड पोर्ट, क्लस्टर आईपी, लोड बैलेंसर, तीनों टाइप के बारे में डिटेल्ड में बताया, तो वो आप पहले देख लीजिए, आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए पहले। ठीक है, तब आप ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। और मैं यहाँ पे ये भी दिख देता हूँ, अभी kubectl get svc को मेरा सर्विस रन कर रहा है कि नहीं, तो एक मेरा बाय डिफॉल्ट सर्विस रन कर रहा है अभी kubernetes, ये पता है आप लोग को एक बाय डिफॉल्ट सर्विस ये रहता है हमारा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली kubectl expose rc, फिर rc हम लोग rc को एक्सपोज कर रहे हैं, मतलब रेप्लीकेशन कंट्रोलर को एक्सपोज कर रहे हैं। उसके बाद आपने रेप्लीकेशन कंट्रोलर का जो भी है नाम दे दीजिए यहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे आप पोर्ट दे दीजिए, पोर्ट मतलब टारगेट पोर्ट, कौन से पोर्ट को आप एक्सपोज करना चाह रहे हैं। तो मैं जो इमेज यूज कर रहा हूँ, मेरा जो इमेज की मदद से ये जो पॉड लॉन्च हुआ है, बेसिकली वो इमेज मैं यूज कर रहा हूँ टॉमकैट जेनकिंस। अगर आप मेरे सीरीज को फॉलो करोगे तो आपको पता होगा ये टॉमकैट जेनकिंस इमेज में बेसिकली क्या है। बेसिकली एक तरीके से मैं बताऊं तो उसमें क्या है, मेरा टॉमकैट सर्वर लॉन्च है, उसमें एक वेबसाइट डिप्लॉय है, मैं इसीलिए यूज कर रहा हूं ताकि मैं आप लोग को दिखा सकूं कि ये पब्लिक वर्ल्ड से एक्सेस हो रहा है। ठीक है, इसीलिए मैं यहाँ पे टारगेट पोर्ट जो दे रहा हूँ 8080 दे रहा हूँ।
और यहाँ पे आप नोड पोर्ट नहीं दे सकते हैं, ना ही आप लोड बैलेंसर का पोर्ट डिफाइन कर सकते हैं। यही एक लिमिटेशन है हमारे ये कमांड लाइन में। इसीलिए मैं बोलता हूँ आपको YML आना चाहिए। YML कैसे, मतलब कोई भी रिसोर्स को YML की मदद से कैसे लॉन्च करते हैं, ये आपको आना चाहिए, क्योंकि हर जगह इंडस्ट्री में यही कंसेप्ट यूज होता है। कमांड लाइन बहुत ही कम जगह यूज होता है, क्योंकि कमांड लाइन बेसिकली एक तरह से समझिए, आपको मान लीजिए कोई आप छोटा सा कमांड है, तो कभी कभार प्रैक्टिस के लिए या कोई आपको एकदम जल्दीबाजी है, कोई मतलब नहीं है ज्यादा उतना कि हमको हैंडल करने से, कि हमको अपना नोट पोर्ट नहीं देना है, अपना ये नहीं देना है, तो आप उस समय यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, कमांड लाइन। पर अगर आप YML यूज कीजिएगा तो आपके पूरा कंट्रोल रहेगा आपके पूरे सर्विसेज पे। पर यहाँ पे आपका क्या होगा, एक रैंडम पोर्ट जनरेट हो जाएगा। वहां पे हम लोग पोर्ट दे रहे थे, खुद मैंने 30,000 दिया था, पर यहाँ पे कोई एक रैंडम पोर्ट जनरेट हो जाएगा, बस आपको वो पोर्ट की मदद से एक्सेस करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, kubectl expose rc, उसके बाद यहाँ पे आपको देना पड़ेगा टाइप, कौन सा टाइप, तो मैं यहाँ पे यूज कौन सा टाइप कर रहा हूँ, नोट पोर्ट। बस ये आपका सर्विसेस क्रिएट हो गया, ठीक है। और माई सी, ये मतलब एरर आया क्योंकि ये मैंने नाम गलत दिया है, यहाँ पे मेरा माई RC11 है, मैंने माई C1 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ माई RC1। तो यहाँ देखिएगा आपका सर्विस एक्सपोज हो गया, मतलब क्रिएट हो गया एक तरह से तरीके से, ठीक है। यहाँ पे SVC करता हूँ मैं, तो यहाँ देखिएगा एक मेरा सर्विस है, और यहाँ पे देखिए ये रैंडम पोर्ट जनरेट हो गया। तो हम बस इस पोर्ट की मदद से क्या कर सकेंगे, एक्सेस कर सकेंगे अपने, ठीक है, एक्सेस कर सकेंगे अपने पोर्ट को, पोर्ट के अंदर जो भी वेबसाइट है। तो कैसे होता है, चलिए वो देखता हूँ, देखते हैं हम लोग। तो मैं क्या करता हूँ, ब्राउजर ओपन कर लेता हूँ, या पहले मैं यहाँ पे ही दिखा देता हूँ। और सबसे पहले तो हम लोग को अपने बेस ओएस का IP पता रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग को पता है नोट पोर्ट क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ बेस ओएस हमारा ये एक्सपोज करता है पब्लिक वर्ल्ड में आपका पूरा मतलब पोर्ट को। ये मैंने सब बता चुका हूँ मैं अपने जब सर्विसेज वाले वीडियो में, इसलिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ अपने मतलब अपने मिनी क्यूब का अपना IP जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि हम लोग मिनी क्यूब ही हमारा बेस ओएस है यहाँ पे, क्योंकि मिनी क्यूब पे ही आपका सारा पॉड रन कर रहा है। इसीलिए हम यहाँ पे मिनी क्यूब का IP जान रहे हैं, क्योंकि मिनी क्यूब की IP की मदद से ही आपका ये पॉड एक्सपोज होगा बाहरी दुनिया में। तो मैं यहाँ पे IP देख लेता हूँ क्या है, एक बार मैं इसका IP देख लेता हूँ। तो इसका IP यही है, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और इसका हमको काम नहीं, तो मैं इसे एग्जिट कर लेते हैं, हम लोग इसको पूरा क्लियर कर लेते हैं, और ये इसको हम लोग फिर से कर लेते हैं यहाँ पे। अब मैं ब्राउजर ओपन करता हूँ, आप लोग को दिखाता हूँ, पहले मैं यहाँ पे कर्ल करके दिखा देता हूँ, ये थोड़ी मैं ब्राउजर में डायरेक्ट दिखा देता हूँ आप लोग को। तो ये मेरा ब्राउजर ओपन हो गया, मैं यहाँ पे IP पेस्ट करते हैं हम लोग, और IP के बाद हमको ये पोर्ट नंबर भी पेस्ट करना, कॉपी करना पड़ेगा, फिर यहाँ पे आके हम पोर्ट नंबर को भी पेस्ट कर देते हैं। अगर ये सही से खुल रहा है, मतलब आपका सही से ये पोर्ट जो है एक्सपोज हो चुका है बाहरी दुनिया में, क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा अभी तो इसका टाइप क्या है, नोड पोर्ट, ठीक है, और ऊपर वाला का क्लस्टर IP। तो ये बाहरी दुनिया में ये मतलब नहीं होगा ये एक्सेस, ये पब्लिक वर्ल्ड में एक्सेस नहीं होगा, पर ये MyRC हो जाएगा एक्सेस, क्योंकि इसका टाइप क्या है हमारा, नोड पोर्ट। यहाँ पे देखिएगा तो ये आपका कुछ देर में यहाँ पे खुल जाएगा, ठीक है, जावा एप्लीकेशन है, थोड़ा टाइम ले रहा है। तो ये देखिए, ये मेरा सही से एक्सेस हो रहा है, इसके अंदर मेरा एक API रन कर रहा है /project। तो यहाँ पे देखिएगा /project भी ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे मेरा जो भी वेबसाइट है, भले बेकार है ये देखने में लुक एंड फील्ड, पर यहाँ पे आपका ये खुल रहा है, खुल गया है, ठीक है। तो ये बेसिकली था हमारा एक्सपोज, मतलब बेसिकली मैं सोचा कि आप लोग को ये भी बता देता हूँ कैसे आप लोग जनरल कमांड लाइन की मदद से सर्विस को क्रिएट करते हैं और मैनेज करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अगर और पर हमेशा मैं प्रेफर करता हूँ कि आप YML क्रिएट कीजिए, क्योंकि आपको YML आना चाहिए, हर जगह बेसिकली YML ही यूज होता है, 99.99% जगह YML यूज होता है, वो जो बाकी 0.01% है वहाँ पे आप कमांड लाइन यूज कर सकते हैं, बेसिकली प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। और कभी कभार होता है कि नॉर्मल यूज केस टाइप का है, तो कोई आपको उतना इफेक्ट नहीं पड़ता है, पर आप हमेशा YML प्रेफर कीजिए, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही।